हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम करेंगे अपने थाई फैट को रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारे थाई के फैट को कम करेंगी, साथ ही साथ हमारे हिप्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हमारे हिप्स को टोन अप करने में हेल्प करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज आपको मेरे साथ साथ करनी है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें करने हैं वाइड सुमो स्क्वाट्स। उसके लिए पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे, जितना ज़्यादा आप खोल सकते हो और बैलेंस बना सकते हो उतना आप पैरों को खोल लीजिए। हाथों को आगे इस तरह से रखेंगे और धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे एंड बैक। ये हमें करना है नेक्स्ट 10 times। पोजिशन का सही से ध्यान रखना है, इस तरीके से नीचे जाते हुए ब्रीद इन करना है और ऊपर आते हुए ब्रीद आउट करना है। आगे की तरफ बॉडी को नहीं झुकाना है, कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए नीचे जाएंगे। सो स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and the last one 10. सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज स्क्वाट एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि स्क्वाट आपको किस तरीके से करने हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, अपनी सेकेंड एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से मैट पर आ जाएंगे, साइड में इस तरह से पोजिशन लेंगे, पैरों को बिल्कुल सीधा, पूरी बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे और अब धीरे धीरे एक पैर को ऊपर लेके जाएंगे। इस तरीके से जितना आप आराम से लेके जा सकते हो, पैर को बिल्कुल सीधा रखना है एंड बैक। इस एक्सरसाइज के लिए हमें लगाना है 10 reps। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट विद मी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। यही एक्सरसाइज हमें दूसरी लेग से रिपीट करनी है, दूसरी साइड आ जाएंगे मैट के। सो स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। ये ना सिर्फ हमारे थाई के फैट को रिड्यूस करती है, साथ ही साथ हमारे साइड फैट को भी रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। अब हम करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए मैट पर लेट जाएंगे, इस तरीके से पैरों को फोल्ड करके लेटना है और अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से एक पिल्लो को रख लेना है। इसकी जगह पे प्रेसिंग बॉल भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से कमर को ऊपर उठाना है एंड बैक। जिस वक्त हमें कमर को ऊपर उठाना है उस वक्त अपने पैरों से पिल्लो को पूरी तरह से हमें टाइट करना है, थोड़ी देर होल्ड एंड बैक। यह हमें रिपीट करना है नेक्स्ट 10 times। सो स्टार्ट। ऊपर जाएंगे, पैरों से पिल्लो को अच्छे से प्रेस करेंगे
एंड बैक वन टू ब्रीद इन प्रेस ब्रीद आउट थ्री ब्रीद इन प्रेस ब्रीद आउट फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन द लास्ट वन ब्रीदिंग प्रेस एंड ब्रीद आउट तो फ्रेंड्स ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए वापस मैट पे लेट जाएंगे इस तरीके से बिल्कुल सीधे लेटना है मैट पे सीधे लेटने के बाद दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर लेके आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरों को ऐसे वाइडली खोलना है आप सपोर्ट के लिए अपने पैरों को अपने हाथों से इस तरह सपोर्ट भी दे सकते हो एंड बैक ये एक्सरसाइज भी हमें करनी है नेक्स्ट 10 टाइम्स जितना ज़्यादा अपने पैरों को आप वाइडली खोल सकते हो उतना आपको ओपन करना है एंड बैक सो स्टार्ट विद मी ओपन एंड बैक वन Three, four, five, six, seven, eight. Last one, 10. इस एक्सरसाइज में पैरों को वाइडली ओपन करने के बाद में जितना देर आप आराम से होल्ड कर सकते हो उतना देर आप होल्ड कीजिए और उसके बाद आपको वापस आना है जितना ज़्यादा आप ओपन करोगे और उसको होल्ड करके रखोगे उतना ही ज़्यादा सेंसेशन आपके थाइज में आपको फील होगा और आपका फैट जल्दी रिड्यूस होगा सो फ्रेंड्स अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से अपने दोनों फीट को इस तरह से मिलाएंगे बटरफ्लाई पोजिशन में आएंगे और नेक्स्ट 20 सेकेंड्स के लिए हमें करना है बटरफ्लाई सो स्टार्ट जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है वो हमारे इनर थाई के रिड्यूस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है साथ ही साथ हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारे लोअर एब्डोमेन के फैट को भी रिड्यूस करती है तो फ्रेंड्स ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज के रेप्स को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो अगर आप इन एक्सरसाइज के इफेक्टिव रिजल्ट देखना चाहते हो तो वीक में कम से कम 5 बार आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म जरूर कीजिए तो फ्रेंड्स आपको ये एक्सरसाइजेस कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए इस तरह के हेल्थ फिटनेस एक्सरसाइज से जुड़े वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए फिट रहिए थैंक यू